ये किस्सा साल 1986 में आई फिल्म अंकुश का है। निर्देशक एन चंद्रा की ये पहली फिल्म थी। 37 साल पहले बनी इस फिल्म का बजट सिर्फ 12 लाख था। निर्देशक ने लगभग सभी ऐसे कलाकारों को फिल्म के लिए चुना था जो फिल्मों में काम करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने नाना पाटेकर को भी इस फिल्म के लिए साइन किया था। जो फिल्म की तलाश में थे नाना को तब उन्होंने 10,000 रुपए में साइन किया था, जिसके लिए 3,000 फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले दे दिए गए और बाकी 7,000 फिल्म की शूटिंग के बाद देने की बात हुई, वो भी तब अगर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खरीद ली। नाना पाटेकर जी जान लगाकर फिल्म की शूटिंग करने लगे, लेकिन कुछ दिन बाद फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी क्योंकि निर्माता के पास सब पैसे खत्म हो गए थे। फिल्म को पूरा करने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत थी। उस वक्त नाना पाटेकर की एक चाहत थी कि जब फिल्म पूरी हो जाए तो उनके जो 7,000 रुपए मिलेंगे वो उन पैसों का एक स्कूटर खरीदेंगे। ये बात उन्होंने निर्देशक को भी बता रखी थी। बहुत कोशिश की, लेकिन जब कहीं से फिल्म को पूरा करने के लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो नाना पाटेकर ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना घर गिरवी रख 2 लाख रुपए फिल्म निर्माता को दे दिए। फिल्म जब बनकर तैयार हुई और रिलीज भी हुई, फिल्म रिलीज होते ही हिट हुई और मेकर्स मालामाल हो गए थे। निर्देशक ने नाना पाटेकर का ये एहसान माना और 2 लाख रुपए देकर एक्टर का न सिर्फ घर छुड़वाया बल्कि 7,000 रुपए भी दिए और साथ में दिया एक चमकता हुआ नया स्कूटर तोहफे के रूप में भी दिया। ये वही फिल्म है जिसका एक गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता लोग आज भी सुनते हैं।